हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है और पूजा वूजा भी सब कंप्लीट हो गया है। तो आज संडे था तो आज थोड़ा सा मैं लेट से भी उठी थी और लेट होने के बाद भी सारा काम टाइम पर ही हो गया है। अभी लगभग 7:30-8 बज रहा है टाइम और मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आज संडे है, हम लोग घर पर हैं, तो मम्मी कुछ अच्छा सा बनाओ। तो सोच रही क्या बनाऊँ, अब टिफिन का तैयारी करूँगी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी आज एग रोल बना दो, तो देखे एग रोल ही बना देती हूँ, बच्चे का डिमांड है। तो आज पति हस्बैंड सब घर पर ही हैं, आज संडे है, सब छुट्टी है। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ, इधर तो सारा काम हो ही गया। अब किचन में जा कर के टिफिन बनाऊँगी और जा कर के एग रोल की तैयारी करती हूँ। देखिए एग रोल बना ही देती हूँ लोग का। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम मैदा ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा चीनी, नमक और रिफाइंड ऑयल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदा को अच्छे से गूँथ लेंगे और ज़्यादा कड़ा भी नहीं गूँथना है। तो रोटी जिस प्रकार के आटे से बनाते हैं ठीक उसी तरह से मैदा का डो तैयार कर लेंगे और इसे थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैदा का डो तैयार हो गया है। अब इसे एक एक करके रोटी के जैसा बेल लेंगे। तो इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे, बस रोटी आकार का ही बेलना है और थोड़ा थोड़ा मैदा लगा करके जो इसे गोलाकार में बेल लेंगे। तो अब मैंने दूसरा मैदे का लोई लेकर के उसी प्रकार से मैंने बेल लिया है। अब मैंने तवे पर रिफाइंड ऑयल डाल करके और पराठे को तवे पर मैंने रख दिया और इसे उलट पर करके इसी तरह सेक लेना है और हल्का हल्का साइड से तेल दे देंगे, रिफाइंड ऑयल का तेल। और एक लेयर जब सेक जाए तो दूसरे लेयर को फिर पलट करके उसी तरह से इसे सेक लेंगे। तो चम्मच से उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से जो पराठे को सेक लेना है। तो पराठा तैयार हो गया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और गैस को यहाँ मीडियम फ्लेम में ही रखना है। अब यहाँ अंडे को जो है मैंने 2 अंडे को एक गिलास में फोड़ लेंगे और उसमें कुछ नहीं डालना है, बस स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अंडे का मिक्सर मैंने इसी प्रकार से तैयार कर लिया है। और दूसरा मैदे का लोई मैंने पराठे के लिए इसी प्रकार से बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर ही बेलना है जिससे कि चकले में पराठा सटे नहीं। और तवा में थोड़ा सा हल्का तेल डाल करके पराठे को उस पर रख देंगे और जब एक लेयर थोड़ा सेक जाए तो उसको चम्मच से पलट देंगे और दूसरी लेयर में हल्का सा तेल लगा करके जो है इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। और यहाँ गैस का फ्लेम जो है धीमा कर देना है क्योंकि तवा पूरी तरीके से गर्म हो गया है। इस प्रकार से दबा दबा करके जो है सेक लेना है पराठे को।
तो पराठा तैयार हो गया है, अब इसे बर्तन में निकाल लेंगे। अब एग रोल बनाने के लिए अंडे को जो है तवे पर इस प्रकार से फैला देंगे, और अंडे जब हल्का थोड़ा सा पक जाए तो इसके ऊपर से जो है पराठे को रख करके दोनों तरफ से उलट पलट करके सेक देना है। तो एग रोल का पराठा तैयार हो गया है। अब एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले पराठा के ऊपर टमाटो सॉस लगा देंगे और इसे चम्मच से पूरी तरीके से फैला देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज, खीरा, हरी मिर्च, इसके ऊपर से मैंने पहले ही बारीक करके जो काट लिया था, तो आप चाहे तो यहाँ पर गाजर और पत्ता गोभी भी काट करके डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर से चुटकी भर काला नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, और फिर ऊपर से थोड़ा सा टमाटो सॉस लगा देंगे और इसे इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके नीचे से पेपर लगा देंगे। तो चाहे यहाँ बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार कोलकाता स्टाइल एग रोल बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम अपने बच्चे को सर्व करने के लिए दे देंगे। तो फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए कोलकाता स्टाइल एग रोल खाने के लिए। इसका स्वाद बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होता है। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने दूसरा पराठा भी, एग रोल भी इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है, और इसे इसी तरीके से जो है फोल्ड करके मोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड, देखने में कितना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो तैयार है कोलकाता स्टाइल एग रोल। तो अभी शाम के 4 बजे हैं, तो मैं अपने छोटे से बगीचे में कुछ फूल के पौधे लगा रही हूँ। तो ये गेंदा फूल के पौधे हैं जिसे मैंने शनिवार को ही ख़रीदा था, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण पौधे को उसी दिन नहीं लगा पाई थी। तो आज संडे का दिन था तो मैं सोची कि इसे आज लगा देती हूँ। तो ऐसे गेंदा फूल के पौधे जो हैं जल्दी मरते नहीं हैं, इसे लगा देने से बस लग जाता है। और अभी मानसून का सीज़न है तो वर्षा बीच बीच में हो ही जाती है, तो पानी उतना अभी पौधे में देना नहीं पड़ता है। तो लेकिन देखिए ना, बगीचे में कितना घास उग गया है। तो मैं इसे बराबर साफ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन अभी बरसात के सीज़न के कारण जो है घास बहुत जल्दी जो है उग जा रहा है। तो मेरे बगीचे में 4-5 टाइप के रोज फ्लावर के प्लांट हैं जो कि अभी खिले नहीं हैं, समय समय पर खिलता है। और 2 अड़हुल फ्लावर के प्लांट हैं, तो एक रेड कलर का है और एक येलो कलर का है। तो जब खिलता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो और भी कुछ फ्लावर के प्लांट हैं जिनके नाम रात रानी है, तारा फूल है, डहलिया है, देसी है, और दो तीन तरह के और भी प्लांट है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फूल खिलने से आप लोगों को वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी प्यारी सी बेटी अपने आप पढ़ने के लिए बैठ गई है। तो ऐसे ये अपने आप पढ़ने के लिए कभी बैठती नहीं है जल्दी, और अभी 4 साल की ही है, लेकिन कब इसका मूड क्या हो जाता है कहना मुश्किल है। और अभी शाम के 7 बज गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।